वाली अलगमस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ अलहमद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अल्लाह पाक हम सब की मुश्किल आसान फरमाए और हम सब को कामयाबियाँ ता फरमाएँ जी तो आज जो मैं आपके साथ वो ईद के दूसरे दिन का ब्लाग जो है वो शेयर कर रही हूँ मैं ऐसे करती हूँ कि एक दिन पहले ब्लॉग बनाती हूँ फिर नेक्स्ट डे जो है उसे एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर घर काम वगैरह करने के बाद अब दिन के खाने का टाइम हो चुका है तो जो मेरी नंद है आज वो सारी कुकिंग करेंगी वो सारा कुछ बनाएंगी तो यहाँ पर आज जो हमारा मेन्यू है आज का वो है शामी कबाब और चावल और गोश्त हम लोगों ने दिन को बनाने हैं तो यहाँ पर उन्होंने दाल भिगो कर रखी हुई थी जो चने की दाल होती है और जो गोश्त है वो निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र में से ताकि वो जो है डीप फ्रॉस्ट हो जाए तो यहाँ पर फिर अब कुकर में गोश्त और चने की दाल प्याज और लहसुन जो है वो डाल कर तो वो रखने लगी हैं वैसे करना तो ऐसे चाहिए था हमें कि दाल इलादा बॉयल करनी चाहिए थी और जो गोश्त है आपको पता है बीफ जो है वो लेट होता है गलता है देर लगाता है गलने में लेकिन खैर तब मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं उसे बताऊं कि चिकन और चने की दाल जो है वो तो जल्दी गल जाते हैं लेकिन ये जो बीफ है ये आसानी से नहीं गलता तो खैर उसने बनाना था सारा कुछ तो मैंने साथ फिर सारी वीडियो बनाई सारी नमक मिर्चें हल्दी वग़ैरह खुश्क जो मसाले जाते हैं वो सारे उसने डाले हैं यहाँ पर सुरख मिर्चें नमक हल्दी और ज़ीरा वगैरह जो है और इसके अलावा जो साबुत धनिया वो वाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है शामी कबाब के लिए तो खैर वैसे बने तो हमारे शामी कबाब जो है वो मज़े के बने थे लेकिन ये था कि दाल जो है वो ज़्यादा गल गई थी जिसकी वजह से हम लोगों ने बीच में से फिर जो बोटियाँ हैं वो निकाल ली थी और थोड़ा सा थोड़ी सी दाल जो है वो हम लोगों ने फिर डाली थी तो वो फिर हमारे बीफ कबाब खाने के कब, काबिल जो हैं वो हो गए थे मज़े के बने थे लेकिन जो बची हुई दाल है वो फिर हम लोगों ने रख दी और हमने कहा कि जो हलीम है हम वो बनाएंगे उससे तो यहाँ पर पानी डालकर और कुकर बंद करके अब चूल्हे पर रखने लगे तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट हम लोग इसे रखेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि बीफ गल चुका है या नहीं यहाँ पर दूसरी साइड पर कुकर में जो हड्डियाँ हैं हम लोगों ने चावल बनाने हैं तो उसकी यखनी बनाने लगे यखनी पुलाव जो है वो हम लोगों ने आज बनाना था तो यहाँ पर सारे मसाले वगैरह डाल कर नमक मिर्ची हल्दी पानी और खुश धनिया और प्याज़ और लहसुन वग़ैरह डालकर तो यहाँ पर कुकर बंद करके फिर आग पर रख देंगे तो तकरीबन आधा घंटा जो है मैंने आग पर रखा था गोश्त गल गया था तो यखनी हमारी अब तैयार हो चुकी थी तो यहाँ पर अब दूसरे चूल्हे पर साइड में बड़े से देखते में क्योंकि चावल जो है वो हम लोगों ने ज़्यादा बनाने थे तो प्याज जो है लाइट ब्राउन की है मेरी नानी और फिर अब टमाटर डाल कर उन्हें भून रही हैं तो वैसे कुकिंग ज़्यादातर मैं ही करती हूँ तो आजकल जो है वो मेरा मूड ही नहीं है पता नहीं क्या हो गया मुझे कोई काम करने का दिल नहीं करता और ना ही कुछ पकाने का दिल करता है तो यहाँ पर उसने मेरी नानी चावल जो है वो भको कर अब रखने थे तो धो कर रख रही है साफ करके ये अच्छे वाले चावल थे तो इनका ज़ायक़ा भी बहुत अच्छा है और जो खुशबू जब हम लोग दम वग़ैरह उतारते हैं तो चढ़ती है बहुत अच्छे चावल जो हैं ये बनते हैं तो यहाँ अच्छी तरह चावल धोकर तो फिर भगो कर रख दिए थे और टमाटर जो हैं वो भी यहाँ पर तकरीबन गल चुके थे और अब ये जो यखनी बनाई थी इसमें से जो बोटियाँ हैं हड्डियाँ वगैरह हैं वो निकाल कर इधर अब डाल रही हैं तो बीच में से जो ज़्यादा ऐसे ज, जिन हड्डियों से बोटियाँ लैदा हुई थी वो हड्डियाँ बीच में से निकाल ली थी और बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो है वो निकाल ली थी क्योंकि इस तरह फिर ये होता है कि चावल जो है वो ख़राब हो जाते हैं बीच में बड़ी बड़ी हड्डियाँ हो तो और आपको पता है जो गाय का गोश्त होता है उसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो है वो आती हैं बकरे के गोश्त में तो ऐसा कोई मसला नहीं होता है उसकी तो वैसे ही छोटी छोटी हड्डियाँ जो है वो होती हैं तो यहाँ पर अब नमक मिर्ची हल्दी वगैरह डालकर अब अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये नमक मिर्ची हल्दी जो है ये अच्छी तरह जो गोश्त हमने निकाल के डाला है उसमें जज्ब हो जाए तो अब वो यहाँ पर मिक्स कर रही हैं और चूल्हा इससे कर दी और साथ ही दूसरे बाउल में जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो अब उसे जो बोटियाँ वगैरह मैश कर रही हैं यहाँ पर सब धनिया मिर्चें वगैरह जो है वो डाल दी हैं तो मैंने आपको बताया कि दाल जो है वो ज़्यादा हो गई थी तो दाल हमने निकाल ली थी बीच में से बोटियाँ जो है वो वोदा कर ली थी और थोड़ा सा दाल का जो मिक्सचर है वो डाल लिया था और अब इसे अच्छी तरह बोटियों को मैश करके मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पर वो कबाब बना रही है जिस तरह उसके अपने घोले घोले आते हैं इसी तरह मोटे मोटे कबाब जो है वो बना रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे है मोटे कि मोटे कबाब इसलिए बने क्योंकि इसमें जो ये मिक्सचर है दाल का वो कम था और बोटियाँ जो है वो ज़्यादा थी जिसकी वजह से जब हम लोग शेप देते थे कबाब को तो वो टूट जाता था तो फिर हमने कहा ऐसे ही बना लेते हैं तो यहाँ पर फिर साथ मैंने कबाब बाकी बना दिए थे और मेरी नान जो है अब चावलों में जखनी जो है जो बनाई थी वो डाल रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यखनी डाली और फिर इसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे कबाब जो है वो बन चुके थे फिर थोड़ी देर हम लोग ने कहा कि अब हम लोग इन्हें फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये थोड़े सख्त हो जाए और जब हम लोग फ्राई करें तो ये टूटे नहीं तो यहाँ पर एक ही ट्रे में डाल कर फ्रीज़र में रख दिए थे और दूसरी साइड पर अब मेरी नान जो है वो अब चावल डाल रही हैं पानी जो है वो यखनी जो है बॉयल हो चुकी है अच्छी तरह और चावल डालने के बाद फिर पानी बीच में से खुश करेंगी और उसके बाद द, दम लगा कर रख देंगी तो यहाँ पर दम लगाए हुए अब चावलों को और अब दूसरी साइड पर चूल्हे पर हम लोग जो शामी कबाब है वो फ्राई करेंगे तो यहाँ पर एक अंडा जो है वो ले लिया था और नमक और मिर्ची जो है कर इन्हें अच्छी तरह फेंट लिया था अब इसमें डिप करके शामी कबाब जो है वो हम लोग बनाने थे दूसरी तरफ यहाँ पर प्याज काट कर सलाद के लिए उन्हें नमक लगा के रखा हुआ था और अब अंडा जो है वो फेंट रही हैं अंडा अच्छी तरह फेंटने के बाद जो हम लोगों ने शामी कबाब बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे वो निकाल के लेके आई हैं और अब नान स्टिक तवा जो है इस पर बनाएंगे क्योंकि वैसे तो वो चिपक जाते हैं तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ऑयल जो है वो तवे पर डाल रही हैं और इसके बाद शामी कबाब बीच में डिप करके और फिर फ्राई करेंगी तो वैसे हम लोगों ने वैसे मुझे जो है वो पर्सनली ज़्यादातर जो कच्चे कीमे के कबाब है वो पसंद है लेकिन खैर जो मिल जाए वो मैं भी खा ही लेती हूँ शामी कबाब भी मज़े के बनते हैं लेकिन ज़्यादा मुझे जो है वो कीमे के कबाब जो है वो पसंद है तो यहाँ पर अब वो डिप करके फ्राई करी है तवे के ऊपर कबाब अच्छी तरह फ्राई करेंगी हल्की आँच पर मिलकर और वैसे थोड़े मोटे थे जब फ्राई किए थे तो ऊपर तो से प्रेस किए थे तो वो ठीक उनकी शेप जो है वो हो गई थी तो साथ चावल जो है वो दम पर लगे हुए हैं तो चावल जब तक दम पर लगे रहेंगे तब तक साथ कबाब जो है वो फ्राई हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप भी ठीक होगी और वैसे मज़े के कबाब जो हैं वो बने थे तो यहाँ पर हमारे शामी कबाब जो हैं वो भी तैयार हो चुके थे टेस्ट भी बहुत मज़े का था इनका और मेरे बेटे ने जो है वो खुश होकर खाए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के कबाब हमारे तैयार हैं और इधर मेरी जो दूसरी नंद है वो सलाद बना रही थी तो खीरे छील कर उन्होंने काट लिए थे प्याज जो है जिन्हें नमक लगा के रखा हुआ था वो धोकर रख लिए थे और अब टमाटर जो है उनमें से बीज निकाल कर तो सलाद में डाल रही हैं बीज निकाल कर डालने से ये होता है कि जो पानी छोड़ जाती है सलाद वो नहीं छोड़ती यहाँ पर टमाटर काटने के बाद फिर उन्होंने अच्छी तरह सलाद को मिक्स किया मिक्स करने के बाद फिर मैं अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई थी मैंने चावल डलवा लिए थे और इसके बाद जो शामी कबाब है वो भी मैंने रखवा लिए थे अपने और आके खाना खाया और बहुत मज़ा आया आज से ही हम लोगों ने भी चस्का लगाया था ये सारी हिम्मत मेरी नंद की थी वरना इतनी गर्मी में कुकिंग करना जो है वो इतना आसान नहीं होता चावल भी बहुत मज़े के बने थे और कबाब भी और सलाद भी तो आज के लिए इतने मिलते है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ला